हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं वशिष। कल का मैच किस-किस ने देखा है गाइस? कल बेशक सीएसके नीचे हार गया है, लेकिन जो लेकिन थल्ला कल देखने को मिल गया, जो छक्के चौके मारे उन्होंने, एमएस धोनी जो देखने को मिल गया, आंखों को ठंडक मिल गई, दिल को बहार आया मुझे तुमसे। तो पहले देखते हैं धोनी 106 भी मारे हैं, एक हाथ से भी छक्के मारे हैं। तो पहले थाने का वीडियो देखते हैं, काउंट करते हैं 3-2-1 एंड सर। तो भाइयों, फाइनली वो मैच आ ही गया जिसका सीएसके फैंस को बेसब्री से वेट था। ये 16 बॉलों ने इनका आईपीएल 2024 सफल कर दिया। 16 बॉले 37 रन भाई, 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट भाई। वाह यार, भला। और सीएसके फैंस को मैच के जस्ट बाद में रियलाइज हुआ, बहन जो मैच हार गए क्या हम? जो लास्ट दो मैच सीएसके जीता है ना, उससे ज्यादा फैंस को इस मैच में खुशी हो रही थी हार के। क्राउड ने इतना लाउड चीयर दिया ना भाई, एक बार को डीजे बज रहा होता ना उसकी भी आवाज ना आती भाई। गलती टाइम आउट हो गया, मेरा विकेट आज तक अपोजिशन टीम ने इतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना सीएसके फैंस कर रहे थे। कभी माही भाई की बैटिंग के टाइम अपना विकेट नहीं दूंगा अब। समीर रिजवी, शिवम दुबे का तो विकेट्स ऐसे सेलिब्रेट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, 2 सेकंड के लिए दिल्ली कैपिटल वालों की कॉलर ऊपर हो गई। हमारे भी फैंस बिना ट्रॉफी जीतने फैंस हमारे, दिल्ली कैपिटल वाले हाउ टू हैंडल फेम सर्च करने लगे गूगल पे, इतना लाउड चीयर उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था भाई। माही भाई ने पहली बॉल पे चौका मारा और दूसरी बॉल पे एकदम इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया उनका खलील अहमद ने। इन्होंने इसी बात पे खलील अहमद को मैन ऑफ द मैच दे दिया कि तुरक भाई आज से तू ही हमारा ब्रेटली, तू ही हमारा मेघरा तैयार भाई। बढ़िया बॉलिंग हो रही है, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। बेमतलब कैच पकड़ के क्यों गाली खाऊं? हार्दिक पांड्या से सारा फोकस उन पर शिफ्ट करने का कोई शौक नहीं है हमें। और सच में यही हुआ, खलील भाई के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, धोनी का कैच ड्रॉप करके पूरे हिंदुस्तान से दुआ मिलेगी आपको, आज से भाई तू मेरा फेवरेट बॉलर है, कैच ड्रॉप करने की वजह से। थैंक यू धोनी का कैच छोड़ने के लिए। और मैच के बाद माही भाई से मिलने गए तो उन्होंने भी ट्रीट दे दी, शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले दे। वाले वाह दुनिया, हम साला कैच छोड़ते हैं तो मीम बनाते हो और खलील कैच छोड़ते तो हीरो बोलते हो, इसलिए सरफू का किसी से विश्वास उठ गया। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस बॉलर की कुटाई माही भाई ने की लास्ट ओवर में, द एंड्रिक नॉर्किया, इसने 2010 में क्या बोला था पता है? मैं जब धोनी को बॉलिंग कर रहा था नेट्स में, मुझे लगा इन्हें बैटिंग करना नहीं आती और ना ही अपनी फीट यूज करना आती है। नॉर्किया भाई कैसा लगा फुटवर्क? ठीक, तो भाई जब से एंड्रिक नॉर्किया आईपीएल 2024 में आया है, इसको सब पेले जा रहे। पहले रियान पराग ने 25 रन मार दिए, अब माही भाई ने 20 रन। एक और बड़ी रेयर चीज देखने को मिली इस मैच में, श्रीलंकन सपोर्टिंग अब बांग्लादेश, ये केवल आईपीएल में देखने मिल सकता है भैया। पाथी राणा ने अपना पूरा जोर लगा के कैच तो पकड़ लिया, पर जब उसने देखा कि इस नागिनी को विकेट दिला दिया क्या मैंने, ये चीज साफ उसके चेहरे पे नजर आ रही थी भाई ने। इतना सा भी सेलिब्रेशन, इतना सी भी स्माइल नहीं दी है इतना बेस्ट कैच लेके। पर ये मैच शायद फैंस के लिए बना था क्योंकि इसमें दोनों चीजें देखने मिल गई, पंत भाई का कमबैक और माही भाई की बैटिंग। मालिक अब इतनी बातें हो ही रही है तो मेरी भी बात कर लेते। पंत भाई मेरे लारा, सहवाग, सचिन, इंजमाम, जॉन सीना, अट्टा पट्टू के कॉम्बिनेशन, क्या इनिंग्स के लिए भाई, वाह क्या इनिंग्स खेली। 2-3 मैच में इनको बाहर बिठा के कसम से पॉन्टिंग ने बैटिंग सिखा दी, इतना संभल के पावर प्ले में इनको खेलते हुए मैंने पिछले कई सीजन में नहीं देखा भाई। दिल्ली कैपिटल्स के दिन भी कितने अजीब चल रहे हैं। नहीं, एंड्रिक नॉर्किया इनका बेस्ट बॉलर था, उसको इतना भयंकर मार रहे हैं और खलील अहमद और मुकेश कुमार विकेट्स ले रहे हैं। वैसे भाई आज बड़ा ही भयंकर मैच है वानखेड़े में हार्दिक भाई के लिए। इस मैच के अगर तुमको मजे डबल करने हैं ना भाई, तो प्रेडिक्ट करो कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होने वाला है। एक सेकंड ऐसे फ्री में प्रेडिक्ट मत करो यार, जब स्टेक इस चीज के तुमको पैसे दे रहा हूँ। अब तुम मान लो स्टेक पर जाके प्रेडिक्ट करते हो कि हार्दिक भाई प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, तो तुमको ऑड्स कितने मिल रहे हैं पता है? 14 ऑड्स, यानी कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने पे 14,000। रोहित भाई पर अगर प्रेडिक्ट करते हो तो 8.5 ऑड्स है कि प्लेयर ऑफ द मैच रोहित भाई होंगे। ऐसे बाकी प्लेयर्स का भी तुम चेकआउट कर सकते हो और यही बढ़िया बढ़िया चीजें तुमको केवल stake.com पर ही मिल सकती है। मैंने लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से जाके रजिस्टर करो, डिपॉजिट करो और प्रेडिक्ट करो, मजे करो आईपीएल। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड कंट्रीज वेयर इट इज लीगल। Visitor must be 18 plus of age to proceed.
गर्ल्स आफ्टर मेकिंग वन टिकटॉक वीडियो, बॉयज आफ्टर टर्निंग अराउंड द गेम इन थ्री डिलीवरीज। भाई के चेहरे पे इतनी सी हंसी नहीं आई, मैंने रीजन तुमको बताया ना भाई, ना गेम की बॉल पे कैश लेना पड़ रहा है माई भाई के राज में, बताओ यार। कमिंग सेड, आई लव प्लेइंग एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे खेला था तो पूरा पैक्ड क्राउड था, ICT फैंस मुझे हट हो रहा है, मुझे हट हो रहा है, साला कैसा हरामी मानूस है यार, 20 करोड़ भी ले रहा है, जले पे नमक भी छिड़क रहा है, बुरी बुरी आंखों वाले पैट कमिंग सुधर जा ब्रो, वेंट फ्रॉम अंडरटेकर टू रे मिस्टीरियो रियल क्विक, भाई अलग ही बंदा है भाई ये, पता है ये श्रीलंका से खेलता है तब तुम इसका परफॉर्मेंस देखना वर्सेस CSK से, इसको थाला भी कुछ ज्यादा डर है, यही सारी परफॉर्मेंस निकलती है इसकी। ईशान शर्मा यूनाइटेड 2000 भाई ये तो परफेक्ट मीम हो गया, ईशान भाई पिछली बार भी 2 ओवर डाल के ऐसे हो रहे थे कि कोई मेरा मूव ला रहे, T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी जैसा भाई, अरे पृथ्वी शाह भाई थाम्बा। एक तो यार सिलेक्टर्स के लिए ना IPL के जस्ट बाद अगर T20 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट करनी हो सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि हर यंगस्टर फॉर्म में है, ब्रो पर्पसली स्कोर्ड ओनली 19 रन इन अहमदाबाद, 19 नवंबर की याद दिला रही है मुच्छड़ यार, मादर कंट्रोल। कैसा लगता है पैट कमिंस को अहमदाबाद में हरा कर, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, अहमदाबाद क्राउड टू पैट कमिंस चुप, इसी का तो वेट कर रहे थे हम लोग, तभी तो देखो 20 करोड़ में खरीद के इंडिया बुलाया पर्पसली, मैच जीतवानू जूस पीवानू मजा नहीं लाएगा, मतलब मैच जीतने का जूस पीने का मजा नहीं लाएगा, देखते हैं आज कैसे नहीं बैटिंग करता। ये बताओ मेरे को कि टेम्बा बाउमा कैसे उठा रहा है, जिस दिन टेम्बा बाउमा ने माही भाई को उठा लिया ना मैं मान जाऊंगा। ऋतुराज विद थाला इन ड्रेसिंग रूम, माही भाई अब तो जाना ही पड़ेगा यार, अरे दीपक चहर और देश पांडे बचे हैं माही भाई, सब आउट हो गए। CSK 6th विकेट फेल, DC फैंस CSK, शिवम दुबे भी बोल रहा होगा सालो तुमको शर्म ना आ रही, इतने छक्के मारे तुम्हारे लिए और तुम मेरा विकेट सेलिब्रेट कर रहे हो, CSK फैंस आफ्टर एवरी विकेट, ओ माही ओ माही। गुजरात टाइटंस गुजरात इंडियंस होती तो बहुत मार, मैं तेरे को मारूंगा एक दिन मुच्छड़, आप अपने 2 पॉइंट रख लीजिए, हम हमारे माही की बैटिंग एंजॉय कर लेते हैं। अस साक्षी जी, अस माही डिडंट रियलाइज वी लॉस्ट द गेम, सही बात है भाई, साक्षी जी बोल रही है हम गेम हार गए ये हमको नहीं पता चला आपकी बैटिंग, क्यों नहीं हो रहा क्राउड साइलेंट, सही बात है, नेहरा जी उधर नारियल पानी पी रहे हैं भाई, इन चूतियों की वजह से बैटिंग करने जाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ना माही भाई पहले से इंडियन मर्द है भाई, बैटिंग करने का शौक नहीं, ब्लू जर्सी देख के MI समझे क्या, MI नहीं GTMI, ये अलग ही प्राउड मोमेंट हो गया था शुभमन गिल भाई के लिए। CSK फैंस लुकिंग एट MS धोनी रीसेंट फॉर्म, क्यों नहीं ऊपर आते माही तुम, खैर यार बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, पाकिस्तान से भाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत ऐसे ही देते यार, यार सच बताऊं कल जितना क्राउड ने एंजॉय किया उतने ही कमेंटेटर्स ने एंजॉय किया, वो कह रहे थे कि यार वो इनको हार का डर ही नहीं है, मतलब इनको हार की परवाह नहीं है, धोनी बैटिंग कर रहा है यही सबसे बड़ा चीखे मार रहा था, अच्छा सारे टीवियों पे चीखे मार रहे थे भाई, भाई किसी को पता ही नहीं था बैटिंग मतलब चल क्या रहा है, मैच हार रहे हैं जीत रहे, किसी को घंटा मारा ही नहीं पड़ा, बस लोग माई यार ये माई का क्रेज है भाई, ये माई का स्टेडियम येलो शर्ट से जो यार भाई ये माही का क्रेज है यार भाई, मैं सच बोल रहा हूं, कल जो शोर था ना, और यार सच में बैटिंग का अच्छा, बीच में सिंगल ही नहीं लिए भाई, भाई ने सिंगल ही नहीं लिए, रविंद्र जडेजा को बोला कि तू उधर खड़ा रह, आज इसको खुश कर दे, आज मेरे को खुश कर दे, अच्छा जहां सिंगल बनता था लिए ही नहीं यार भाई, 16 पे 37 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और क्या चाहिए इस उम्र में, इस उम्र में इतना भाई, और जो बोलता था उनको खेलने का तरीका ही नहीं आता, उसी को ठोका, उसी को 20 रन मारे ओवर में तो उसी को ठोका यार, मैच का और फुल पैक्ड मैच, एक हाथ से छक्के मारे हैं भाई, मजा आ गया, पृथ्वी शाह बेचारा कहता है मेरी भी मैच सरकार, ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है यार, ऋषभ पंत ने भी बैक किया, उसने भी अच्छा खेला है, मजा आया गाइस, आपका क्या कहना है मेरा कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।